Hello my dear friends, this is Sujit and once again welcome back to my channel. So friends, in this video I'm gonna explain you about WhatsApp emojis and their names. Okay friends, and you are using these emojis in your actual conversation on WhatsApp. Okay friends, so in this video I'm gonna teach you and I'm gonna explain you. So while learning this English lesson, you have to watch this video from beginning to and you have to watch this video till end. And if you're new here on my YouTube channel, so you can click the red subscribe button and hit the bell icon button, because all the latest video notification you can notified on your phone and you can not miss my any single video. So friends, without wasting your time, let's begin this video and let's get the ball rolling. So friends, in fact hum baat karte hain sabhi, you know, one by one. टोटल मैं आपको 20 इमोजीज के बारे में बताऊंगा जो हमारी एक्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. हम व्हाट्सएप पर जितनी भी टॉकिंग करते हैं, जितने भी यू नो कम्युनिकेट करते हैं, जितनी भी कन्वर्सेशन करते हैं, वहाँ पर हम इमोजीज का यूज़ डेफिनेटली करते हैं. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या हम इमोजीज का यूज़ हमारी एक्चुअल कम्युनिकेशन में हम कर रहे हैं तो क्या वो बेटर है, मतलब कौन सी सिचुएशन में, कौन से सर्कमस्टेंस में हम कौन सी इमोजीज का यूज़ करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो इमोजी का नाम है वो है ब्लश. ब्लश इमोजी आप यहाँ पर मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लश इमोजी इसको बोलते हैं, ब्लश. ठीक है, ब्लश का मतलब होता है शर्माना. आप कहीं पर भी सिचुएशन में फंसे हुए या फिर कम्युनिकेशन में बात कर रहे हो अपने कन्वर्सेशन में कि यहाँ पर आप शर्माने की बात आती है तो आप इस इमोजीज का यूज़ करेंगे. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. तो ये इसका मतलब था ब्लश. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इमोजी है आपकी स्क्रीन पर, हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पर है विंक. आपको ये इमोजी दिख रही होगी जिसमें आपने देखा होगा कि यह आंख मार रही है. जो इमोजी का मतलब होता है आंख मारना, मतलब कि विंक कर रही है. इसका इंग्लिश मीनिंग होता है विंक. तो आप इसका यूज़ शायद ही करते होंगे, अगर करते हो कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट अपने लाइफ में तो इसका यूज़ कब करिएगा, बट इसका यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही गलत तरीके से होता है आंख मारना. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आई यू विल गेट इट माय पॉइंट. हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन सॉरी नेक्स्ट इमोजी है, हमारे नेक्स्ट इमोजी है फ्रेंड्स हार्ट आइज. आपने देखा होगा आंखों में जो हार्ट बने हुए हैं, इस इमोजी में आंखों पर जो हार्ट बने हुए हैं, जो हार्ट बने हुए हैं ना, ये शो करते हैं कि आपने जो जिस कंडीशन को फेस किया है उसमें आप क्या है, एकदम खुश हो गए हैं, आपका जो दिल है आपकी आंखों में आ गया है. तो फ्रेंड्स ये इमोजी का वहाँ पर यूज़ करेंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट समझ में आया, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट अपना नेक्स्ट इमोजी पर. तो हमारा नेक्स्ट इमोजी है फ्रेंड्स किसिंग. किसिंग के लिए कम से कम चार, मिनिमम चार इमोजीज हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जितनी भी इमोजीज है मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ. चार इमोजीज है, तो चारों इमोजीज का मतलब होता है किसिंग. अगर आपको किसी को भी या आप यू नो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने डॉटर या अपने नेफ्यू या निस को भेजना चाहते हो तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, सही यूज के लिए यूज़ करना फ्रेंड्स, गलत तरीके से इसका यूज़ नहीं करना है आपको. चलिए फ्रेंड्स मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इमोजी की तरफ. हमारी नेक्स्ट इमोजी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है इनोसेंट. इसको बोलते हैं इनोसेंट इमोजी, मतलब ये जो शो कर रही है आपका सीधापन, आपका मासूम, आप कितने मासूम ये शो कर रही है. तो आप अगर किसी कंडीशन में मासूमियत शो कर रहे हैं, आपका फ्रेंड शो कर रहा है या आप शो करने जा रहे हैं, तो आप इस इमोजी का यूज़ करेंगे. ओके फ्रेंड्स, यू विल गेट इन माई पॉइंट. नेक्स्ट लाफिंग. लाफिंग लाफिंग के लिए भी बहुत सारी इमोजीज है फ्रेंड्स. तो आप कौन सी इमोजी का यूज़ करेंगे, बहुत सारी है तो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं ना फ्रेंड्स. 4 to 5 इमोजीज हैं लगभग मिनिमम मेरे पास, जितनी भी मैं सब यहाँ पर लगा दूंगा आपके लिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है लाफिंग. ठीक है, आप जानते होंगे इसको. तो चलिए नेक्स्ट है यम. यम स्वादिष्ट. अगर आप किसी को आपने मतलब किसी पर्सन ने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया तो बोला खम, तो बोला कैसा खाया, क्या बना था, कैसा बना था, क्या टेस्ट था, तो आप इस इमोजी का यूज़ करके बता सकते हैं कि खाना टेस्टी था, बहुत रेलिस था. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्वेट. जो आप ये देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें एक पानी की बूंद दिख रही होगी आपको इस इमोजी में. तो इसमें है क्या है कि आप कुछ काम करके अगर थक गए हो और पूछना कि आपने क्या काम किया आज, तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं काम करके पसीने में हो गया. तो ये स्वेट इमोजी का यूज़ करके आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है जो वेरी. जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वेरी, वेरी WERY, वेरी का मतलब होता है थका हुआ. आप कोई काम करके और ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ हूँ. तो आप इस
सेंटेंस को बोलने के बजाय रादर देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनफैक्ट आपका जो आपका जो इम्प्रेस होगा, बहुत इम्प्रेसिव सिचुएशन होगी वो, है ना फ्रेंड्स, तो आप इसका यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारी हमारी ये थिंकिंग फेस। आप इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप दो बीच दो कम्युनिकेटर के बीच में बात कर रहे हैं और आपको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आया, तो आप उस इस इमोजी का यूज़ करके उसको बोल सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इमोजी में इसका यूज़ देख सकते हैं, इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं और आपको किसी बात पर, कम्युनिकेटर की बात पर गुस्सा आता है, तो आप इस इमोजी का यूज़ करके आपका गुस्सा जो है शो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आपका गुस्सा शो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है फेस विथ थर्मोमीटर। फेस विथ थर्मोमीटर का यूज़ आप कब करेंगे फ्रेंड्स? अगर आप बीमार हो, सीक हो, अगर पूछते हो कि हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू, तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी इल, आई एम वेरी सीक। बट आपको ये नहीं बोलना डायरेक्टली, आप इसका यूज़ करके इसको बता सकते हो कि, या इंडिकेट कर सकते हो कि मैं जो है बीमार हूँ। ठीक है, थर्मोमीटर मेरे हैं, मतलब कि मेरा बुखार चेक हो रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप यू विल गेट इट माई पॉइंट। इनफैक्ट मूव टू नेक्स्ट इमोजी। नेक्स्ट इमोजी सनग्लासेस। आपने एक फेस देखा होगा, उसके ऊपर सनग्लासेस है ब्लैक कलर का, ये शो करता है कि आपने सनग्लासेस पहना हुआ है। इस इमोजी का नाम है सनग्लासेस, फेस विथ सनग्लासेस। आपका जो फेस है वो सनग्लासेस के साथ है। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो या कहीं पर भी है, तो आप ड्राइविंग करते हुए फेस किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? चश्मे का या स्पेक्टिकल्स का या गोगल का यूज़ करते हैं, तो आप इस इमोजी को दिखा सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, हाउ एवर यू आर नॉट यूजिंग दिस इमोजी वाइल ड्राइविंग, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे होंगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, उस समय आप टॉकिंग या चैटिंग नहीं कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट है स्वेट स्माइल। स्वेट स्माइल का मतलब ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते आपके पास पसीने की फीलिंग होती है, स्वेट की फीलिंग होती है, तो आप इस इमोजी का यूज़ करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि मुझे पसीना भी आ रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हगिंग फेस। ये जो फेस है इसका हगिंग है, इसको आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाया गया होगा फ्रेंड्स, इस तरह से दिखाया गया होगा, तो इसका मतलब ये कि होगा हो रहा है कि आप जो है हग करने जा रहे हो। ठीक है, यू आर गोइंग टू हग, आप हग करने जा रहे हैं, तो आप ये इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू विल गेट इट माई पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा रिलीव्ड। रिलीव्ड फेस, ये आपको जो इमोजी दिख रही होगी रिलीव्ड फेस कर रही है फ्रेंड्स। क्या कर रही है? रिलीव्ड फेस मतलब आपको राहत मिल रही है किसी काम को करने में, बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, तो आपका आपने काम किया और आपको राहत मिली, तो आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू विल गेट इन माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल, आप नॉर्मली आपको इस किसी बात पर हंसी आ गई, तो आप नॉर्मली इसका यूज़ कर सकते हैं। जेन्यूनली आपकी कन्वर्सेशन में ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, एक और है हमारे पास मुस्कुराने के लिए ग्रीनिंग। ये भी उससे मिलता जुलता ही है, एकदम सेम टू सेम है। ओके, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा नेम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है फ्रेंड्स? ये डिफरेंस है कि उसको स्माइल बोलते हैं, इसको ग्रीनिंग बोलते हैं। चलिए हमारा जो आज का नेक्स्ट और लास्ट है, लास्ट इमोजी है हमारी स्लीपी। आप अगर सोने जा रहे हो राइट नाइट में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्लीप, और आप उसके साथ इस इमोजी का यूज़ करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी थी 20 इमोजीज। तो आई होप आपको ये सारी इमोजीज समझ में आई होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश के हर एक पॉइंट्स को समझ में आना चाहिए, मतलब कि आप जितनी भी बातों का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए अपनी लाइफ में, तभी तो उसका कुछ मीनिंग होगा। क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, बात तो करते हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी लिखते हैं, बट उन वर्ड्स का उनको मीनिंग नहीं पता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव फन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव फन, थैंक यू सो मच गाइज।